सागर के मकरोनिया के विद्यापुरम स्थित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के छात्र खासे परेशान हैं, जहां समीप स्थित एक शासकीय नाले और उसके आसपास अतिक्रमण होने से गंदा पानी छात्रावास के आसपास जमा होने लगा है। कीचड़ और गंदगी का जमावड़ा लगा होने से उनका जीवन दूभर है। मामले में शिकायत के बाद भी कोई सुध नहीं ले रहा है, तो वहीं नाले के आसपास भी अतिक्रमण पैर पसार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब हो कि बरसात में इस छात्रावास में घुटने घुटने तक पानी भर गया था, जिसके बाद प्रशासन के मुखिया ने निरीक्षण करते हुए नाले और उसके आसपास के चिन्हित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। जहां माच खाना पूर्ति हुई और अभी भी अतिक्रमण बरकरार है, साथ ही नाले के रास्ते को परिवर्तित किया गया है और नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद ने तो उसी नाली से सटी जगह पर अपना कार्यालय भी खोल डाला। इस मामले में छात्रावास के छात्रों को हो रही असुविधा पर कांग्रेस नेत्री रेखा चौधरी ने जानकारी मिलने के बाद वहां का निरीक्षण किया और छात्रों से चर्चा के साथ वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के बाद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कलेक्टर से मुलाकात करते हुए पूरे मामले में प्रशासन के रवैया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। छात्रों को होने वाली परेशानी पर तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई और मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सड़क सत्याग्रह प्रदर्शन की चेतावनी दी। उन्होंने मामले में भाजपा के अनुसूचित जाति वर्ग के हितेशी के दावे पर भी सवाल खड़े करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा और स्वयं सत्ताधारी दल के पार्षद के नाले पर कब्जा किए गए निर्माण पर भी भाजपा सरकार की कथनी करने में अंतर स्पष्ट होने पर जमकर हल्ला बोला। तो वहीं मामले में पार्षद विवेक सक्सेना से पूरे मामले में जवाब चाहा गया तो वह कैमरे से नजर बचाते हुए नजर आए, जो दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है इसका इशारा करता दिखाई दिया। पूरे मामले में कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारी और संबंधित अन्य लोगों से जानकारी तलब करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पानी भरता है और यहाँ जैसे लेटरिन करने जाते हैं तो वो चौक हो जाती है, पानी भर जाता है तो हम लोग पीछे जाते हैं तो उसको साफ करते हैं। हाँ, तो बरसात के समय कलेक्टर साहब आए थे, SDM महोदय आए थे, विधायक आए थे, उसके बाद ये समस्या का निराकरण नहीं हुआ? नहीं, कोई ने कुछ नहीं किया। कहाँ पर है आपकी छात्रावास? विद्यापुरम मकरोनी। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र अहरवाल। कहाँ पर है छात्रावास आपका? विद्यापुरम छात्रावास। क्या क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? यहाँ पर नाले के कारण पानी नहीं कर पा रहा है, बारिश में बहुत भर जाता है छात्रावास। यहाँ पर बहुत गंदगी है जिसके कारण हम लोगों का, और दुर्गंध भी आती है, लोग बता रहे हैं। यहाँ पर दुर्गंध भी आती है, इससे बच्चों की तबीयत खराब है। ठीक, बता दो कहाँ है बाइट, बता दो भाई, बता दो। जिस तरीके से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में भर्राशाही मची हुई है, कल ये पता चला कि पिछले दिनों बारिश में भी विद्यापुरम के अंदर एक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास है, वहाँ पर बारिश में पूरा जलभराव हो गया था और कॉलोनी के लोगों ने और छात्रावास के बच्चों ने शिकायत करी थी। कलेक्टर महोदय भी वहाँ पर पहुँचे थे और आप सब माननीय मीडिया ने उस खबर को प्रमुखता से उठाया था। बारिश के बाद आज तक उस छात्रावास की किसने नाले पर अतिक्रमण किया है, कैसे वो नाला बंद हो गया और पूरे कॉलोनी के लोग कितने परेशान हैं, ये किसी को जानने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अभी हम लोग कल वहाँ पर गए छात्रावास में तो इतना बदबूदार और कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है, बच्चे नरक जैसी ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ पर मजबूर हैं। ना उनको सुविधाएँ कुछ मिल रही हैं, ना साफ़ सफाई है, और नाले पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने अपना कार्यालय बना लिया है और पूरा नाला 2 फुट की नाली में कन्वर्ट करके उसको एक तरफ से डाइवर्ट कर दिया है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उनके जनप्रतिनिधि जो चुनकर आ रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री एक और बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को गाड़ देंगे जमीन के अंदर, उनके खुद के पार्षद नाले को बंद कर उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना रहे हैं, तो आप कहाँ उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? मैडम, कलेक्टर महोदय से मिले, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, कलेक्टर महोदय ने कहा तो है कि हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। आज उन्होंने अभी मकरोनी नगर पालिका के CO और अनुसूचित जाति विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, लेकिन मैंने उनसे निवेदन ये किया है कि आप एक हफ्ते के अंदर कोई ठोस कार्रवाई अगर करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हम वहीं उसी स्थान पर सड़क पर बैठकर सड़क सत्याग्रह कर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं। मैडम, 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अनुसूचित संत रविदास कुंभ के मेले में, और अनुसूचित जाति के ही बच्चे वहाँ पर परेशान हो रहे हैं,
इस बारे में कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी की कलाई इसी बात में खुल जाती है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। एक और वो कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को संरक्षण देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, दूसरी ओर खुले तौर पर उस वर्ग का शोषण भी वही करते हैं। तो अगर आ रहे हैं 8 तारीख को, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े हो जाएंगे कि भैया आप अनुसूचित जाति का रविदास जी के महाकुंभ में आए हैं तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए, और ये प्रश्न हम उन्हीं से कर लेंगे कि आप यहाँ अपने पार्षद पर क्या कार्रवाई करेंगे।